नंबर एक पे है सोडा। आमतौर पर लोग सिर्फ यही मानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक से फैट नहीं होती। सॉफ्ट ड्रिंक में एडेड शुगर की वजह से 270 कैलोरीज होती हैं और सोडे की एक पूरी बॉटल में 1900 कैलोरीज। तो अगर आप एक हफ्ता रेगुलर इसको पीते हैं तो आपकी बॉडी में हर वीक एक्स्ट्रा 1900 कैलोरीज स्टोर हो जाती हैं, जिसे बर्न करना काफी मुश्किल है। इसीलिए अगर बेली फैट कम करना चाहते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। नंबर टू पे है कुकीज। कुकीज में बॉडी फैट को बढ़ाने वाले फ्लोर, शुगर और बटर का यूज होता है। इतना ही नहीं, दूसरे हाई कैलोरीज वाले इंग्रेडिएंट्स जैसे कि चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल होता है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ बॉडी फैट को भी बढ़ा देता है। सिर्फ एक कुकीज में 60-70 कैलोरीज होती है और पूरे पैकेट में 600-700 कैलोरीज होती है। कुकीज के बदले आप वाटरमेलन खा सकते हैं, जो बॉडी फैट कम करने में मदद करता है। इसके बाद बढ़ते हैं नंबर तीन पर, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नंबर पांच पर मौजूद जो फूड हम आपको बताएंगे वो काफी अनबिलीवेबल है और उसके खाने से एक ही बार में, जी हाँ, एक ही बार में 2000 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो पर बने रहिए। नंबर तीन पे है कुकिंग ऑयल। हाँ, ऑलिव ऑयल जैसे कुकिंग ऑयल भी फैट को बढ़ाता है। एक चम्मच ऑलिव ऑयल में 119 कैलोरीज होती हैं। ऐसे में अगर आप 3 चम्मच ऑयल यूज करते हैं तो 357 कैलोरीज हो जाती हैं। कुकिंग ऑयल जरूरी होती है, लेकिन कैलोरीज कम करने के लिए उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो, ये भी बहुत जरूरी है। नंबर चार पे है फ्रेंच फ्राइज। दिखने में छोटी लगने वाली फ्रेंच फ्राइज में सबसे ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप 150 ग्राम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो उसे 427 कैलोरीज मिलती हैं। इतना ही नहीं, उसमें यूज किया जाने वाला सॉल्ट भी फैट को बढ़ाता है। ये सॉल्ट दिमाग में ओपियोइड और डोपामाइन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आप एडिक्टिव हो जाते हैं। और बिना बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के फ्रेंच फ्राइज कौन खाता है? तो ऐसे में आप एक ही बार में 1000 कैलोरीज को इंटेक कर लेते हैं। और अगर जानना चाहते हैं कि बेली फैट कैसे बढ़ती है, तो उसे जानने के लिए चेक करें हमारी वीडियो 7 causes that increase belly fat, जिसकी लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर पांच पे है पिज्जा। पिज्जा भी फ्रेंच फ्राइज की तरह हाई कैलोरिक फूड होता है। 12 इंच मतलब एक मीडियम पिज्जा, उसमें 1835 कैलोरीज होती हैं, जो आप एक बार में आपका आधा किलो ही वजन बढ़ा देती हैं। इतना ही नहीं, पिज्जे के साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी पिया जाता है, यानी कि एक ही बार में 2000 से ज्यादा कैलोरीज। ऐसे में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पिज्जे से तो दूर ही रहें। इतनी ज्यादा कैलोरीज वो भी सिर्फ एक ही बार में। इस हकीकत को जानने के बाद मैंने तो पिज्जा खाना बहुत कम कर दिया है। What about you? एक ही पिज्जे में इतनी कैलोरीज क्या आप खाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने इनमें से कौन सी चीज खाना छोड़ दी है। नंबर छह पे है चॉकलेट। चॉकलेट तो सभी की फेवरेट होती है, लेकिन कैलोरीज से भी भरी होती है। कई लोगों को लगता है कि चॉकलेट से वजन नहीं बढ़ता, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। 100 ग्राम चॉकलेट में होती है 546 कैलोरीज। चॉकलेट आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ाता है और चॉकलेट खाने से मीठी चीज खाने की क्रेविंग्स और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर आप बेली फैट कम करना चाहते हैं तो चॉकलेट से भी दूरी बना लीजिए। नंबर सेवन पे है पोटैटो चिप्स। एक स्टडी के मुताबिक पोटैटो चिप्स भी वजन को बढ़ाता है। 100 ग्राम पोटैटो चिप्स में 536 कैलोरीज होती हैं। पोटैटो चिप्स बनाने में ऑयल, सॉल्ट और दूसरे मसाले का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पोटैटो चिप्स में और भी ज्यादा कैलोरीज शामिल हो जाती हैं। इतना ही नहीं, मूवीज देखते वक्त पोटैटो चिप्स तो बनते ही हैं। ऐसे में अगर आप 200 ग्राम पोटैटो चिप्स को ले लेते हैं तो कुल मिलाकर हो जाती हैं 1000 कैलोरीज, जो आपको मोटा बल्कि बहुत मोटा करने के लिए बहुत ज्यादा है। रोस्टेड और बेक पोटैटो चिप्स में भी इतनी ही कैलोरीज रहती हैं। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इन सभी फूड्स को आज से ही बंद कर दीजिए। वैसे हम इन सभी चीजों को खाना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन कैलोरीज के हिसाब से इसका इंटेक तो कम जरूर किया जा सकता है। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी शुरुआत से वेट लूज की जर्नी होती है शुरू। तो आप इन लिस्ट में से कौन सी चीज खुद छोड़ेंगे खाना, वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, जो आपके वेट लूज की जर्नी को बनाएगी आसान। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे फिट।